हजम नहीं हो रहा, विवाद नहीं है, असल में उन्हें हजम नहीं हो रहा है। ये कैसा जीत गए? भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराने के लिए तैयार है हम उनके साथ में। तक तो जबरदस्ती करिए ही नहीं कि मतलब आप हाथ पैर भी चलाना शुरू कर दे रहे हैं करके उसमें, तो हम भी कोई है तो टुंडे उंडे नहीं है उसके अंदर, हाथ हमें भी है, अगर तुम दो मारोगे तो एक हमें भी मारना आता है। जंगल में अकेले ही चलते हैं शेर। देखिए, ये पहले भी कई मर्तबा ये मुद्दे सामने आ चुके हैं इसमें। हमारा ये कहना है कि हमको बचपन से ये बताया गया है कि देश का जो राष्ट्रीय गीत है वो जनगण मन है, और जब वो बजता है तो हम पूरे एहतराम के साथ, पूरे इज्जत के साथ हम खड़े रहते हैं, पूरे फख्र के साथ, गर्व होता है हमें कि ये हमारे देश का राष्ट्रगान है करके। लेकिन अगर आप हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करते हुए अपने अपने तौर तरीके से अगर आप हर चीज़ बदलने की कोशिश करेंगे, हम ये कहते हैं कि अगर वंदे मातरम अगर आप कह रहे हैं तो हमारे लोगों ने खड़े रहना, एहतराम करना चाहिए उसका उसमें, लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते है करके। और इस हद तक तो ज़बरदस्ती करिए ही नहीं कि मतलब आप हाथ पैर भी चलाना शुरू कर दे रहे हैं करके उसमें, तो हम भी कोई है तो टुंडे उंडे नहीं है उसके अंदर, हाथ हमें भी है, अगर तुम दो मारोगे तो एक हमें भी मारना आता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है मेरठ में पार्षद आप लोगों के बने हैं, लेकिन कहीं से जब से जीते तब से विवाद हो रहा है, तो जो हजम नहीं हो रहा, विवाद नहीं है, असल में उन्हें हजम नहीं हो रहा है, ये कैसा जीत गए है करके तकलीफ यही सता रही है। इसीलिए कुछ ना कुछ बहाना करके है तो ये कुछ ना कुछ मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि आवाम ने जिता कर लेकर आई है हमें, उसके अंदर कबूल कर लीजिएगा उसमें। तो क्या 2024 का जो इलेक्शन है आप गठबंधन में शामिल होने? किसके गठबंधन में? जो भी भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराने के लिए तैयार है हम उनके साथ में। अभी जो संसद का उद्घाटन हो रहा है आज के बाद से नरेंद्र मोदी साहब ने ना तो महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करना, ना आदिवासियों के सम्मान के बारे में बात करना, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो आप झूठ बोल रहे हैं मोदी साहब। अगर आपको सही मानों में सम्मान देना है तो भारत की जो राष्ट्रपति है उनके हाथ से आपने इसका उद्घाटन कराना, अगर नहीं करा सकते तो जो लोकसभा के, राज्यसभा के जो कस्टोडियन है, पार्लियामेंट के कस्टोडियन है, उनके जरिए आपने करवाना चाहिए था। लेकिन आपको तो आदत है कि मैं हूँ बस, मेरे अलावा और कोई नहीं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं जो बहिष्कार करेंगी, उनमें किस पार्टी है? आपकी पार्टी का तो कहीं नाम ही नहीं उनमें। बिल्कुल है, हमने ऐलान किए हैं, हम भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। जो 21 पार्टियां दिखाई जा रही हैं उन पार्टियों में आपका नाम नहीं, पार्टी का नाम नहीं जोड़ा जा रहा? देखिए, वो नहीं जोड़ रहे हैं, वो उनकी तकलीफ है उसमें। लेकिन हम तो पूरी ताकत के साथ हम इनका विरोध करने वाले हैं, और वो 18 एक तरफ करेंगे, हमारा विरोध बहुत अलग तरीके का। लेता तो क्या आप अकेले उतरेंगे? जंगल में अकेले ही चलते हैं। चलिए ठीक।